Okay, dear student, yesterday we have been talking about the topic physiological aspect in physical education, and we also discussed about what is anatomy, what is physiology, and what is exercise physiology. Today, exactly, we are going to talk about the sub-point of exercise physiology. And yesterday, we also discussed about, in terms of physiology, what is warm-up and cool-down. So today, I will directly come to the topic, exercise physiology. First point, what are the effects take place in muscular system after you doing a vigorous exercise or any involved in any sports activity? तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मस्कुलर सिस्टम है हमारे, कल मैंने आपको सारा मसल के बारे में आपको बताया था, हमारे बॉडी के अंदर कितना मसल्स होता है और कहाँ कहाँ होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या साइज होता है, उन लोगों मसल लोगों का क्या काम है, वॉलेंट्री मसल का क्या है, इनवॉलेंट्री मसल का क्या है, कार्डिक मसल का क्या है. तो डिफरेंट मसल्स प्लेइंग अ डिफरेंट रोल इन आवर बॉडी टू टेक मूवमेंट इन आवर बॉडी. सो नाउ आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, तो फर्स्ट थिंग इज हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल. हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, इसमें क्या होता है बच्चों? हाइपरट्रॉफी मीन्स, हाइपर मीन्स लार्ज, ट्रॉफी मीन्स उसमें चेंज होना. तो मसल्स का, मसल के अंदर चेंज आ जाता है, मसल का इनलार्जमेंट हो जाता है इसमें. तो मसल के एक एक फाइबर्स, सिंगल फाइबर्स हो और ग्रुप ऑफ मसल्स हो, मतलब सिंगल सिंगल फाइबर्स में उसमें चेंज आता है, उसमें इनलार्जमेंट होता है, उसके वजह से टोटल मसल ग्रुप जो है हाइपरट्रॉफी हो जाता है, उसमें बड़ा हो जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ स्पीड एंड्योरेंस एक्स्ट्रा. अब इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम बहुत सारा लोड, अगर देखो स्पोर्ट्स में कि हमें सिर्फ खेलना ऐसा एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा प्लेफुल के लिए खेलना नहीं होता है. अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में टारगेट हो, कोई टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो भी टूर्नामेंट हो, क्लब मैचेस हो, उसमें हमारा एक टारगेट होता है, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें स्पोर्ट्स को एडवांस करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस को एडवांस करने के लिए वी हैव टू गो अंडर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम जब जाता है तो फिर उनके मुताबिक हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है. ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग लेता है तो फिर हमारे मसल के अंदर बहुत सारा चेंजेस हो जाए. पहले से हमने बोला कि फिजिकल फिटनेस में हमारा क्या क्या कंपोनेंट्स है, उस सारे कंपोनेंट्स में हमारे अंदर चेंजेस आ जाए. अब हम पर्टिकुलर मसल के ऊपर आएगा तो फिर मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मसल का पावर बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ मसल का स्पीड बढ़ जाता है, और मसल का इंड्योरेंस बढ़ जाता है. ये सब चीजें हमारे मसल के ऊपर, ये सब इफेक्ट होता है एक्सरसाइज करने के बाद. ये सब डेवलप, मतलब इफेक्ट मीन इन द सेंस डेवलपमेंट ऑफ मसल्स. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीज टोनिंग, टोन ऑफ मसल. टोन ऑफ मसल, टोन मतलब ये होता है कि हमारा मसल जो है रेडीनेस होना, एक्टिव होना, उसको हम टोन बोलते हैं. फिर जब हम एक्सरसाइज करता है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारा मसल इन्वॉल्व होता है, 100% होता है. तो उसमें मसल को एक्सरसाइज करते 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 मसल हैबिट हो जाता है, मतलब वो आदत हो जाता है. फिर मसल जो भी एक्टिविटी करने के लिए वो रेडी रहता है. जैसे कि फास्ट ट्विस्ट, मसल का फास्ट ट्विस्ट, स्लो ट्विस्ट, दोनों सुना होगा, रेड मसल और वाइट मसल दो होता है, दोनों में ट्यूनिंग हो जाता है. अगर हम एरोबिक, एनएरोबिक एक्टिविटी कर रहे थे उसके लिए भी ट्यूनिंग हो जाता है. एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए भी ट्यूनिंग हो जाता है. एनएरोबिक मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक मीन विद ऑक्सीजन. कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि हम 100 मीटर दौड़ेगा तो वो एनएरोबिक
एक्सरसाइज है, तो उसमें मसल जो है विदाउट एनी ऑक्सीजन उसको परफॉर्म करना पड़ता है, उस हिसाब से मसल टून होता है, मतलब रेडी होता है। जैसे कि हम एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे कि मैराथन, क्रॉस कंट्री, ये सब जो है विद ऑक्सीजन एक्टिविटीज है, तो उसमें उस हिसाब से फिर मसल टून होता है। ये टून मसल जब रेडी होता है, कोई भी एक्टिव करने से पहले मसल जो रेडी होता है, इससे हमें क्या होता है, इंजरी होने का बहुत चांसेस कम होता है इसमें। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारा मसल टून नहीं है, रेडी नहीं है, तो उससे हम कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें मसल ट्यूनिंग नहीं होगा तो फिर उसमें इंजरी होने का फुल रिस्क होता है। तो इसीलिए हमें क्या बोलता है, मैंने आपको कल बताया था कि वार्म अप 14 मिनट्स का जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म अप होना चाहिए, जरूरी है, ताकि मसल सब ट्यून हो जाए, पहले से ट्यूनिंग रेडी हो जाए, एक्टिव हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर प्रोजेक्शन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये है जब हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों कॉम्बिनेशन में जब काम करेंगे उसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बोलता है बॉडी में। अगर हम कोई चीज जैसे कि क्रिकेट का बॉल आ रहा है, कैच करना है, तो उस टाइम क्या होता है कि न्यूरो हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है कि इस बॉल, ये जो बॉल इतना एंगल से आ रहा है, इतना डिग्री में आ रहा है, तो इस जगह में पहुंचेगा बोल के वो पहले से हम जांच करते हैं उस डिग्री में, वो न्यूरो ये मस्ट सॉरी ये नर्वस सिस्टम जो है ये सिग्नल देता है। तो नर्वस सिस्टम ब्रेन जो है फिर उसमें बॉडी को सिग्नल देता है, फिर मस्कुलर सिस्टम में जाता है, पर्टिकुलर उस जगह जाओ, इस एंगल में जाओ, इस एरिया में जाके ऐसा पोजिशन में इस बॉल को पकड़ना है। तो ये सब जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से होते हैं। तो ये जो है, ये जो बहुत इंक्रीज हो जाता है स्पोर्ट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कि न्यूरोमस्कुलर कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी स्किल्स हो, कोई भी टेक्निक हो, वो सब में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए चाहिए। अगर आपके पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो आपके पास यू आर कंप्लीटली फेल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, लाइक मीन्स इन देयर पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। So, उसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है होना बहुत जरूरी है। तो जब एक्सरसाइज करने के बाद तो मसल्स और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है हो आदत हो जाता है, दोनों कॉम्बिनेशन काम करने, कोऑर्डिनेशन काम करने के लिए दोनों आदत हो जाता है, ये जो है इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, फटीग रेजिस्टेंट। तो मसल जब भी हम एक्टिविटी करता है तो हमारा वैसे भी बाय नेचर, बायोलॉजिकली बाय नेचर है कि हम कोई भी एक्टिविटी करता है उसको कुछ समय तक ही कर पाते हैं, नहीं तो हम थक जाता है उस एक्टिविटी को कुछ टाइम तक। जो भी एक्टिविटी करता है उस नेचर एक्टिविटी हिसाब से हम उसको कुछ तक काम कर सकते, उसमें थक जाता है, ये हम बायोलॉजिकली नेचर है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उसके ऊपर लोड इंटेंसिटी अगर मसल में अच्छा एडोप्ट करेंगे तो एडोप्टेबिलिटी अच्छा होगा तो मसल में, तो हम फटीग को बहुत टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है, जो थकावट होता है उसको बहुत टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है। फटीग क्यों होता है, फटीग कैसे आता है, हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और फॉस्फेट जो एसिड, ये सब होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है। जब हम एक्सरसाइज करते 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 ये लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फेट ये सब बॉडी में बहुत चलते रहता है, तो काम करते करते जब थकान हो जाता है, जब थकान कब होता है, जब ये लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मसल के अंदर जब चला जाता है, तो ये जो फटीग जो हम थकान जो महसूस होता है वो होता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम, हम रोज एक्सरसाइज, विगोरस एक्सरसाइज, बहुत लोड इंटेंसिटी रोज एडोप्टेबिलिटी मतलब रेगुलर लेते जाएगा तो ये एडोप्टेबिलिटी जो रेजिस्टेंस जो है बाहर जाता है, उससे लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्यूमुलेशन जो मसल्स में होता है वो सब दूर कर देता है, मतलब बहुत डिले करता है, बहुत धीरे से धीरे धीरे से एक्यूमुलेट होने पड़ता है, मतलब धीरे धीरे से हमारे मसल के अंदर घुसने देता है। इसीलिए हम
थक थक कम है, जैसे कि स्लो ट्विस्ट फाइबर मसल्स, जो लोग मैराथन दौड़ता है, हाफ मैराथन, लॉन्ग मैराथन दौड़ते हैं, वो लोगों का मसल बाय बोन जो है वो लोग स्लो ट्विस्ट होता है, उसमें जो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वैसे भी धीरे से वो लोग मसल में घुसता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज या लॉर्ड इंटेंस से हम रोज उसको प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस बोलता है, रोज रोज उसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको एडोप्टिबिलिटी हो जाता है, और जितना जल्दी ये एक्यूमुलेशन होता है उस एक्यूमुलेशन और डी एक्यूमुलेट करता है बहुत धीरे धीरे से, ताकि वो लोगों का जो मेरा रन जो है बहुत लंबे तक चले। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें कि फटीग जो है बहुत रेजिस्टेंट करता है, बहुत लंबे समय तक हम काम करने का वो क्षमता जो है हमें मिलता है। और नेक्स्ट जो है इंक्रीज मायोग्लोबिन कंटेंट। अब ये मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बाउंडिंग कंपाउंड फाउंड इन मसल्स एंड टिश्यू। ये जो है हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर बढ़ जाता है, तो हमें जो ऑक्सीजन बाउंडिंग जो है कंपाउंड है उस मसल्स और टिश्यू में इसको इंक्रीज कर देता है, ताकि हमारे मसल्स बहुत अच्छे से काम करे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोर कैपिलरीज फॉर्म। कैपिलरीज क्या होता है? ब्लड वेसल्स। हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट की पंपिंग के थ्रू, तो पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू ले जाता है, और डी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ब्लड जो है वेंस के थ्रू वापस लेता है। तो इसमें मसल्स के अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होता है, तो ब्लड कैपिलरीज जो है इसमें फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा फॉर्म होता है, तो ये जो है मस्कुलर जब एक्सरसाइज करके मस्कुलर सिस्टम के एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स के अंदर कैपिलरीज जो है बहुत मतलब हाई परसेंटेज ऑफ कैपिलरीज फॉर्म इन अ मसल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेप एंड शेप and size of muscles increase। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मसल जो है इनलार्जमेंट हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, और उसके साथ साथ जो भी हमारा मसल्स है शेप है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज मसल बॉडी के अंदर है, स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अलग अलग शेप में होता है, वो लोगों का ये स्ट्रक्चर हो वो चेंज होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। अगर जैसे कि बाइसेप आपने देखा होगा, जो लोग जिम में जाता है, हेल्थ क्लब जिम में जाता है, तो वो लोग करता है कि फिटनेस के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करता है जिम में, हेल्थ क्लब में वर्कआउट करता है। अलग अलग स्पेसिफिक एक्सरसाइज स्पेसिफिक मसल्स के लिए होता है। अगर आपको ये ट्रेपीजियस मसल, जो मेरे ये शोल्डर मसल है ट्रेपीजियस मसल, उसको अगर इनलार्जमेंट करना तो एक्सरसाइज करना तो इसमें लोड इंटेंसिटी देना तो किस तरह से देना, अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो, जब वो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हो तो फिर इस मसल्स का जो शेप और स्ट्रक्चर हो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा बाइसेप, ये बाइसेप मसल्स होते हैं, उसको हम इसको इसका स्ट्रक्चर को इसका साइज को चेंज और वो करेगा तो फिर हम अलग सा एक्सरसाइज होता है, बाइसेप के लिए डंबल्स होता है, बेंच प्रेस होता है, अलग अलग हेल्थ क्लब में जाएगा तो जिम्स अलग अलग एक्सरसाइज होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोड इंटेंसिटी लगाने के बाद एक दो महीने के बाद फिर ये जो बाइसेप के दो मसल होते हैं वो दोनों इलास्टमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसी से ट्राइसेप, ट्राइसेप का भी अलग होता है, यहाँ पे तीन मसल्स होते हैं ट्राइसेप, इसलिए ट्राइसेप बोलते हैं, इसका भी अलग पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है। और विंग लैटिसमस डॉर्सी विंग बोलते हैं, इसमें भी अलग सा एक्सरसाइज, जितना भी बॉडी में मसल्स हैं वो सब में अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर जो वर्कआउट होता है वो सब करने के पर्टिकुलर मसल्स का साइज और शेप दोनों है चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट जो है improve in muscle tissue।
टिश्यू हमें पता है, चार तरह का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू बोल के। तो मस्कुलर जो टिश्यू है, जब हम मसल के पर्टिकुलर मसल के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये मस्कुलर जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है कि अलग अलग मसल्स और मसल के बीच में जो होता है, जो जिनको कनेक्ट करता है, ऑर्गेन्स या मसल्स या जो भी सिस्टम है उनको कनेक्ट करता है, उनके बीच में टिश्यू होता है। जो वो टिश्यू लोगों का जो फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि मसल दोनों के बीच में अच्छा कनेक्ट हो जाए, अच्छा कम्बिनेशन हो जाए, इसलिए ये जो मसल टिश्यू है इसमें इम्प्रूव हो जाए, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट हम जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेन उसमें ऑर्गेन्स आता है, हमारा हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये सब आता है उसमें। हम अभी नेक्स्ट में आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको हार्ट का पिक्चर देखेंगे, उसमें पूरा ओरल ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, कहाँ से क्या जाता है, लंग्स में कैसा जाता है, लंग्स से कैसा आता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से कहाँ होता है, ये सारे बारे में आपको मैं नेक्स्ट में बताऊँगा। अब हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जाने से पहले हमें हार्ट के बारे में पता करेंगे कि हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसा फंक्शन करता है, कैसा काम करता है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने ये अपना ह्यूमन हार्ट है, आदमी का जो हार्ट होता है, दिल जो होता है कैसा होता है, और उसमें चार चैम्बर होता है, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चारों चैम्बर जो है अलग अलग काम करता है इसमें। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर ब्लड, ब्लड कहाँ से आता है, ब्लड सुपीरियर वेना के वहाँ, सुपीरियर वेना के वहाँ और इंफीरियर ये जो दो है। तो इन यहां से जो है ब्लड आता है थ्रू वेंस, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेंस है, वेंस के थ्रू ब्लड आता है इसमें सुपीरियर वेना के वहाँ और इंफीरियर वेना के वहाँ के थ्रू राइट ऑट्रियम में जाता है। राइट ऑट्रियम में जाने के बाद ये चैम्बर जो है राइट ऑट्रियम है, इसमें तीन वॉल्व है, इस तीन वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिक वॉल्व। ट्राइकस्पिक वॉल्व जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है, राइट ऑट्रियम के अंदर आता है, फिर ये जो चैम्बर जो है, फिर ये जितना भी मसल्स है, ये सब जो है मसल्स है, चंबर का मसल्स है, ये मसल ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्शन होता है, ये इसमें मसल में, मसल के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये चंबर के अंदर प्रेशर, प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होने के बाद जितना भी ब्लड्स है वो ब्लड सब इसमें ये वॉल्व खोल के इसके अंदर जाता है, ट्राइकस्पिक के थ्रू राइट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये चंबर जो है, फिर इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, मसल कंस्ट्रक्शन होता है, हार्ट का चंबर का मसल कंस्ट्रक्शन होता है। फिर होने के बाद ये जो ब्लड है, जितना भी ब्लड जो है ये सब जाता है लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो ब्लड है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी ब्लड, हमारा बॉडी में जाके वहां पे डिफ्यूजन होके वापस आने वाला ब्लड है, इम्प्योर ब्लड बोलता है। और ये लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, फिर गैसेस एक्शन होता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होता है। तो लंग्स में जाने के बाद जो भी ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है लंग्स के एलोवेले के अंदर गैसेस एक्शन डिफ्यूजन से होता है, उसमें चेंजेस होता है, उसमें चेंज होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करता है। जो हम सांस लेते हैं, सांस लिया, फिर हम जो सांस, जो सांस में ऑक्सीजन से लंग्स के अंदर गया, लंग्स में गया, साथ ही साथ हार्ट ने ब्लड भेजा है लंग्स में,
तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन से डिफ्यूजन होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर होने के बाद सांस लिया, छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो छोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमने लिया ऑक्सीजन लिया, अभी जो छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे ही अभी लंग्स में ब्लड आया, यहाँ पे चेंजेस हुआ, जो ब्लड आया वो लोग जब वापस जा रहा है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑक्सीजन के साथ जा रहा है कहाँ पे, फिर लेफ्ट लेफ्ट ऑर्टियम में जा रहा है। ये जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंस बोलते हैं इसको। पल्मोनरी वेंस जो है ये लंग्स से प्योर ब्लड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेके आता है लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ऑरिकल में। तो इसके अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे सेम होता है कि फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है, हार्ट का मसल, फिर ये जो ब्लड जो है फिर कहाँ फेंकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंकता है। अब यहाँ पे जो एक वॉल्व है उसमें, इसमें दो वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, बाइक स्पिक वॉल्व, क्योंकि इसमें दो है इसमें तीन है, इसलिए ट्राई दो तो बाय। तो ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड जो है ये सब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड लोगों को कहाँ भेजता है, थ्रू ओर्ट्रा, यहाँ से जो है जा रहा है ये ओर्टा है, थ्रू ओर्टा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ओर्टा बोलते हैं, AORTA ओर्टा बोलते हैं, फिर यहाँ से प्योर जो ब्लड है यहाँ से जाके ओर्टा के थ्रू थ्रू ऑफ द बॉडी ये सब सर्कुलेट करता है, फिर उसी की तरह फिर बॉडी के सारे पार्ट में जाके, मसल के सारे पार्ट में जाके, बोन्स के सारे पार्ट में जाके फिर ये वापस आता है वहाँ पे, फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों वहाँ पे सप्लाई करके, एनर्जी सप्लाई करके फिर ये ब्लड जो है वो फिर बॉडी से फिर वापस आता है हार्ट के अंदर, फिर रेड, फिर ऐसा सर्कुलेशन बॉडी में होते रहता है। अब हार्ट का जो बीट है लबडब बोलते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, हार्ट का चैम्बर जो है, ये जो हार्ट का चैम्बर है चारों एक साथ काम नहीं करता, ये अल्टरनेटिव करता है, ये और ये दोनों करता है, और ये और ये दोनों करता है। लब बोलेगा तो ये दोनों प्रेशर क्रिएट करता है, ये दोनों का मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है लब में, ये दोनों का मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ब्लड फेंकता है, जो भी चंबर में फेंकना है, जो भी अपना पर्टिकुलर जगह में फेंकना है फेंकता है। फिर लब हो गया डब, डब में क्या होता है कि ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों रेस्टिंग में बैठते हैं, उसको डायसिस्टोलिक बैठते हैं, ये दोनों को डायसिस्टोलिक, ये दोनों सिस्टोलिक होता है। तो ये दोनों जब प्रेशर क्रिएट होता है इसमें जो ब्लड है इसका ब्लड नीचे फेंकेगा, इसका ब्लड बॉडी में जाएगा, तो ऐसा होता है हार्ट का जो फंक्शन जो होता है। ओके, नाउ अब हो गया कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर है। अब जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर हम वो मेजर कैसा करते हैं, एक तो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए, अगर ऐसे ही नॉर्मली देखेगा तो हमारा बॉडी का सबसे सेंसिटिव जो नर्व होता है उससे मेजर किया जाता है, जैसे कि एक नेक में होता है, गर्दन में किया जाता है, दूसरे जो है हमारे जो इस रिस्ट में जो है ना यहाँ पे बहुत सेंसिटिव यहाँ पे जगह होता है उसमें हम चेक करने को मिलता है। और हार्ट का जो है जो बीट, नॉर्मल जो बीट है 72 बीट पर मिनट है, तो एक मिनट में 72 होता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, लॉट इंटेंसिटी लेगा तो उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छा स्पोर्ट एलीट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ओलंपिक कॉमनवेल्थ, उन लोगों का जो हार्ट बीट जो है उनका रेस्टिंग रेट जो है ना, जो रेस्टिंग पीरियड जो रेट पीरियड जो है वो इंक्रीज होता है। उसमें जो है आप सुबह उठो, सुबह जस्ट आंखें खुला उठ के आपका रेस्टिंग चेक करो, आपका रेस्टिंग जो रेट है 72 से कम होता है, कम से कम 50 to 60 के बीच में होता है, 72 नहीं होता है। अपने बॉडी कम से कम 6 आवर्स तक अपने बॉडी पूरा रेस्ट किया विदाउट एक्सरसाइज, बिल्कुल रिलैक्स हो गया बॉडी, तो उसका रेस्टिंग जो रेट जो होता है 52 होता है। अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, ओलंपिक लेवल या कॉमन लेवल, एशियन गेम लेवल, गोल्ड मेडल होल्डर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, एलीट स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उनका जो रेस्टिंग पीरियड जो होता है
41-42 ही होता है उनका सुबह उठेंगे तो रेस्टिंग जो पीरियड होता है, रेस्टिंग जो रेट होता है, रेस्टिंग जो रेट वो जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है स्पोर्ट्स पर्सन में। तो बाकी जो है जो भी जितना भी चेंजेस